मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है आपकी सुबह जो क्लास आती है नाश्ते के रूम में, उसमें हम आपको टॉप 1000 क्वेश्चंस इस टाइम करा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपको जरूर ही हेल्प करेंगे। तो आज की क्लास नंबर जो है टॉप 1000 क्वेश्चन की वो 27 क्लास है। आज हम आपके लिए 27 क्लास लेकर आए हैं और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है शाम की क्लास जो हमारी चलती है उसमें हम आपको टॉपिक करा रहे हैं, टॉपिक वाइज वहां पर हम आपको बायोलॉजी करा रहे हैं जिसमें हम आपको प्लांट किंगडम में हमारा एक टॉपिक टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट और सेवाल, ये तीनों ही टॉपिक हम आपको कंप्लीट करा चुके हूँ। तो उसके जो एमसीक्यू है वो आपको सुबह की क्लास में ही देखने को मिलेंगे, तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। जितने भी एमसीक्यू वहां पर बनेंगे हम आपको इसी क्लास में कराएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं वो सभी एमसीक्यू आपको सुबह की क्लास में ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी छोड़े नहीं और शाम की जो टॉपिक वाइज क्लास चलती है उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है? क्योंकि यदि आपका टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होगा और उसके बाद यदि आप एमसीक्यू लगाओगे तो आपकी तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन हो सकती है हमारे हिसाब से। तो चलिए टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 531 क्वेश्चन। इसे हमने आपको होमवर्क में दिया था और ये भी बोला था कि जो भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे उनके नाम भी लेकर आएंगे, ठीक है? लेकिन इसके साथ साथ हमने एक क्वेश्चन आपको कल की क्लास में और दिया था, हमने कहा था आपसे कि जो दोनों क्वेश्चन का आंसर देगा उसी के नाम लेकर आएंगे। आप लोग पूरी क्लास नहीं देखते, उसका मतलब कुछ स्टूडेंट ने सिर्फ शुरुआत का एक क्वेश्चन का आंसर दिया, लास्ट वाले का आंसर ही नहीं दिया और बहुत सारे स्टूडेंट देते भी नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो जिससे हमें भी पता चले कि हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हो इस टाइम। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन पर, देखते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि पीढ़ी एकांतरण में बीजाणु विद पीढ़ी डॉट डॉट व युग्मपोत विद पीढ़ी डॉट डॉट होती है, यानी कि बीजाणु विद कैसा होता है पीढ़ी में और युग्मपोत विद कैसा होता है, युग्मपोत विद कैसा होता है उस पीढ़ी में। एन कोमा टू एन, टू एन कोमा टू एन, ऑप्शन नंबर सी है टू एन कोमा एन, ऑप्शन नंबर डी है एन कोमा एन। तो कुछ स्टूडेंट ने सिर्फ अच्छा सही से आंसर दिया है, उनका नाम भी हम आपको बता देते सबसे पहले, उसके बाद हम यहाँ पर नाम लेंगे वो क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो मेरे पास जो सबसे पहले आंसर आया था वो अर्जुन वर्मा पैथोलॉजी, दूसरा आंसर हमारे पास आया था डॉक्टर शिवू और तीसरा आंसर हमारे पास आया था प्रियंका पीके, लेकिन उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने दिया था कोशिका में पाए जाने वाले सिंगल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकाएं कौन कौन से होते हैं उनका आंसर सही था, लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन ये वाला था ये गलत दिया था उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, कोशिश तो की आपने, कुछ बच्चे तो कोशिश भी नहीं करते, कोशिश किया करो, आंसर गलत दो सही दो लेकिन दिया जरूर करो, ठीक है? चलिए बात करते क्वेश्चन पर, पीढ़ी एकांतर में बीजाणु विद, देखो हमने आपको बताया था ब्रायोफाइट भी बताया टेरिडोफाइट भी टॉपिक में बताया, यदि आपने टॉपिक वीडियो देखी होगी तो आप जरूर इसका आंसर सही देते। तो देखो बीजाणु विद तो जो पीढ़ी होती है उसमें जो आपका होता है वो क्या होता है टू एन होता है, कैसा होता है टू एन, आपका बीजाणु विद जो होता है वो कैसा होता है टू एन होता है, जबकि युग्मक विद यानी युग्मक जो होते हैं वो कैसे होते हैं एक एन होते हैं। तो यहाँ पर आपका टू एन भरा जाता और यहाँ पर आपका कैपिटल एन होता। तो ऑप्शन नंबर जो सी था वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, कौन सा ऑप्शन नंबर जो सी था वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है? तो ये आंसर आप लोगों ने सही भी दिया था, क्या होगा पीढ़ी एकांतर में, आपने पीढ़ी एकांतर किसमें पाया जाता है ब्रायोफाइट में भी पाया जाता है टेरिडोफाइट में भी पाया जाता है। तो पीढ़ी एकांतर में बीजाणु में जो पीढ़ी होती है वो टू एन होती है जबकि युग्मक में जो पीढ़ी होती है वो कैपिटल एन होती है, क्योंकि आपको पता है पहले से जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं अगुणित होते हैं, युग्मक जो होते हैं वो कैसे होते हैं अगुणित होते हैं, और जब अगुणित अगुणित आपस में मिलते हैं स्मॉल एन और स्मॉल एन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनेगा टू एन, और टू एन जब बनता है तो वो बीजाणु बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा टू एन होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 532, हॉर्स टेल व फर्न है, हॉर्स टेल व फर्न है ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म या आवृत बीजी, यदि आपने क्लास देखी होगी टेरिडोफाइट्स वाली तो आप इसका आंसर भी दे चुके होंगे, आपके दिमाग में इसका आंसर भी आ चुका होगा।
ठीक है। तो हॉर्स टेल के और बल फंड किससे संबंधित है, आप फंड को पता है तो हॉर्स टेल भी पता लगा लोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉर्स टेल का दूसरा नाम क्या है। देखो हॉर्स टेल का जो दूसरा नाम है वो आपका क्या है, इक्विसीटम। इक्विसीटम का जो सामान्य नाम है वो आपका क्या है, इक्विसीटम। इक्विसीटम, इक्विसीटम आप कह दो चाहे हॉर्स टेल कह दो, हॉर्स टेल एक ही बात होती है, हॉर्स टेल। अब आपको पहले से पता है कि फंड जो होते हैं वो किससे संबंधित है, टेरिडोफाइट से। तो इसका मतलब हुआ फंड यदि इससे संबंधित हो, हॉर्स टेल भी हमारा किससे संबंधित होगा, टेरिडोफाइट से ही संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हॉर्स टेल बा फंड किससे संबंधित है, तो वो आपके टेरिडोफाइट से संबंधित है। हॉर्स टेल का दूसरा नाम यदि आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताओगे, तो हॉर्स टेल का जो दूसरा नाम है वो आपका इक्विसीटम है। क्या है, इक्विसीटम, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 533। क्वेश्चन नंबर 533 हमारा, पृथ्वी के कुल CO2 स्थिरीकरण का लगभग आधा, कितना आधा यानी कि 1/2 किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण से संपन्न होता है। पृथ्वी के कुल CO2 स्थिरीकरण का लगभग 1/2 किसके द्वारा संश्लेषण संपन्न होता, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया जो होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, एंजियोस्पर्म, लाइकोपोड, शैवाल या ब्रायोफाइट्स। देखो जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके नीट लेवल के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CP NET हो, BHU हो, GSVM कानपुर हो, RUHS हो, पैरामेडिकल है, BSc नर्सिंग है, किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, लास्ट तक हमारे साथ क्लास को देखते रहना है और अच्छे से इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए भी चलना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पर। तो पृथ्वी के कुल CO2 का यानी कुल CO2 का स्थिरीकरण लगभग 1/2 किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है, एंजियोस्पर्म, लाइकोपोड, शैवाल या ब्रायोफाइट्स। तो वो आपका शैवाल के द्वारा संपन्न होता है, किसके द्वारा, जिसे प्राथमिक पादप भी कह सकते हो, प्रिमिटिव कह सकते हो आप, क्योंकि शैवाल ही सबसे पहले आए हुए थे, ठीक है। तो पृथ्वी के कुल CO2 का 1/2 यानी कि आधा किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्रिया संपन्न होती है, तो वो आपकी शैवाल के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 534। निम्न में से कौन सा जाइलम व फ्लोएम युक्त प्रथम स्थलीय पादप है, निम्न में से कौन सा जाइलम व फ्लोएम युक्त प्रथम स्थलीय पादप है। आपको बताना होगा इनमें से कौन सा ऐसा पादप है जो जिसमें जाइलम भी उपस्थित है और फ्लोएम भी उपस्थित है। इसका मतलब है वो संवहनी है, कैसा है, उसमें संवहनी ऊतक है वो पाए जाते हैं। कौन से ऊतक, संवहनी ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू, समयनी ऊतक। और समयनी ऊतक के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, समयनी ऊतक के अंतर्गत आपका जाइलम और फ्लोएम आता है। तो ब्रायोफाइट्स होगा, जिम्नोस्पर्म होगा, टेरिडोफाइटा होगा या एंजियोस्पर्म होगा। तो देखो आपका जो ब्रायोफाइट है उसमें तो आपका जाइलम फ्लोएम पाया भी नहीं जाता था, हमने आपको बताया था क्लास में जब ब्रायोफाइट की हमने टॉपिक या क्लास लेकर आए थे उस दिन हमने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट जो होते हैं वो असंवहनी होते हैं। कैसे होते, असंवहनी होते हैं, इनकी में आपका क्या नहीं पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते, इनकी नॉन वैस्कुलर होता है। ये कैसा होता है, नॉन वैस्कुलर होता है, इसमें आपके जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो इसमें होगा आपका, टेरिडोफाइट की बात करते हैं तो ये तो इनकी बात की बात है, सबसे पहले आपके शैवाल आ रहे थे, शैवाल के बाद एक क्रम जो विकास का क्रम है, उसके बाद आपके ब्रायोफाइट से, उसके बाद आपके टेरिडोफाइट से, उसके बाद आपके वो जिम्नोस्पर्म आते हैं, उसके बाद आपके एंजियोस्पर्म आते हैं। तो प्रथम स्थलीय पादप पूछा आपसे, कौन सा प्रथम स्थलीय पादप, तो वो आपका कौन सा है, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो है वो आपका प्रथम स्थलीय पादप भी है और साथ ही साथ उसमें क्या है, जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाता है, यानी वो जाइलम और फ्लोएम युक्त होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
निम्न में से कौन सा जाइलम और फ्लोएम युक्त प्रथम स्थली पादप यदि आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताओगे, तो आप बताओगे टेरिडोफाइट्स। तब आपको ब्रायोफाइट्स नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 535, ठीक है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 535, 534 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब बात करते हैं 535 पे। देखो आगे के जो भी क्वेश्चन है वो टेरिडोफाइट से संबंधित है, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 535। 35 क्वेश्चन है, सीडीआरआई संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखो हमने आप मिक्सचर क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन आपके टेरिडोफाइट से, ब्रायोफाइट से, सेवाल से संबंधित है, लेकिन टेरिडोफाइट से ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है? सीडीआरआई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सीपी नेट में पिछले साल भी पूछा गया था और हर साल एक न एक इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। और ये क्लास हम आपकी ले भी चुके हैं, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है? हम ये आपके संस्थान है जो इम्पोर्टेंट संस्थान है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पूरी क्लास हमने ली थी, लगभग आधा घंटा क्लास होगी, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखना आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो बात करते हैं सीडीआरआई संस्थान कहाँ पर स्थित है। सीडीआरआई का मतलब क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो सीडीआरआई का मतलब होता है सेंट्रल, डी का मतलब होता है ड्रग, और आर का मतलब होता है रिसर्च, और आई का मतलब है इंस्टीट्यूट, ठीक है? तो इनकी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सीडीआरआई संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, दार्जिलिंग में या देहरादून में? तो देखो सीडीआरआई जो संस्थान है वो आपका यूपी के लखनऊ में स्थित है। यूपी की जो कैपिटल है वो क्या है? आपकी लखनऊ, उसी में आपका ये स्थित है। यहीं पर आपका गन्ना संस्थान है, गन्ना केंद्रीय गन्ना जो संस्थान है वो भी आपका लखनऊ में है। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 536 और बाकी के, आपको देखना हो तो आप क्लास देख लेना एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर हमने बताए हुए, नहीं तो हम इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ओके? तो आपको और आसान होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 536, टेरिडोफाइटा किसकी उपस्थिति में ब्रायोफाइट से भिन्न है? टेरिडोफाइटा किसकी उपस्थिति में ब्रायोफाइट से भिन्न होता है? समय नूतक से, स्त्रीधानी, पीढ़ी एकांतरण या गतिशील शुक्राणु? तो देखो पीछे से बात करते क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी से। देखो ब्रायोफाइट में गतिशील शुक्राणु होता है तो आपके टेरिडोफाइट में भी होता है, तो ये तो बिल्कुल समान हुआ। पीढ़ी एकांतरण दोनों में ही पाया जाता है, हमने आपको बताया होता। देखो आपको एक बार इन दोनों की क्लास जरूर देख लेना, यदि आप लोग टॉपिक वाली क्लास देख लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। जिन्होंने क्लास नहीं देखी उनको थोड़ा शायद कम समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, तो आप लोग क्लास जरूर देखें उसके बाद एमसीक्यू लगाएं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके, ओके? तो देखो टेरिडोफाइट में किसकी उपस्थिति में ब्रायोफाइट से भिन्न है? तो पीढ़ी एकांतर तो दोनों में पाया जाता है, गतिशील शुक्राणु दोनों में होते हैं, स्त्रीधानी दोनों में होती है, लेकिन सम्मयन ऊतक दोनों में नहीं पाए जाते। टेरिडोफाइट में सम्मयन ऊतक पाया जाता है जबकि ब्रायोफाइट में सम्मयन ऊतक नहीं पाए जाते, यानी कि उनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता, वही बात है जो अभी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। टेरिडोफाइट किसकी उपस्थिति से ब्रायोफाइट से भिन्न है? तो वो आपके सम्मयन ऊतक से भिन्न है, यानी कि वैस्कुलर टिश्यू से भिन्न है, क्योंकि इसमें ये पाया जाता है और जबकि ब्रायोफाइट में आपका नहीं पाया जाता है, ठीक है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 537, टेरिडोफाइटा पादपों का मुख्य पादप शरीर क्या होता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जा सकता है आपसे आगे कि टेरिडोफाइटा पादपों का मुख्य पादप शरीर क्या, मुख्य पौधा क्या है? और हमने आपको बताया होता क्लास में इसका जो मुख्य पौधा होता है वो आपका क्या होता है? बीजाणुविद होता है। क्या होता है? बीजाणुविद। टेरिडोफाइट पादप का जो मुख्य पौधा होता है उसे बीजाणुविद कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए ब्रायोफाइट का मुख्य पौधा क्या होता है, तो ब्रायोफाइट का मुख्य पौधा जो होता है वो इग्मोद्भिद होता है। तो ये दोनों ही आप लोग अच्छे से याद कर ले, ब्रायोफाइट।
ब्रायोफाइट का मुख्य पौधे को इग्मोद्भिद कहा जाता है, जबकि टेरिडोफाइट के मुख्य पौधे को बीजाणुविद कहा जाता है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 538। फर्ण के पुंडू होते हैं, फर्ण जो होता है उसके जो नर युग्मक होता है, फर्ण का जो एनकी टेरिडोफाइट जो होते हैं उनका जो नर युग्मक होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पुंडू। क्या कहा जाता है? पुंडू। फर्ण के पुंडू होते हैं एक आकार के होते हैं, सिंगल फ्लैजलेट होते हैं, डबल फ्लैजलेट होते हैं, या चतुष्कसार की होती है, या बहुकसार की, मल्टी फ्लैजलेट होते हैं। तो देखो फर्ण के जो पुंडू होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, तो वो आपके होते हैं कैसे, एक दो बहुकसार की, कैसे होते हैं, बहुकसार की होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फर्ण के जो पुंडू होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकसार की होते हैं। लेकिन एक आपका हमने आपको बताया था स्लेजिनेला करके जो बताया था वो द्विकसार की होता है। क्लास जब आपको देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 539 की। तो ये चार क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सभी क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे समझ सकते हो, और आगे के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बात करते आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 539 क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से मरुद्भिद टेरिडोफाइट है, आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा मरुद्भिद पादप है, यानी कि जो मरुस्थल में पाया जाने वाला पादप है वो भी कौन सा, टेरिडोफाइट। सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, मार्सिलिया, एजोला, आइसोटस। तो देखो आपको अच्छे से यहाँ पर बता दें कि जो आपका मार्सिलिया, एजोला और आइसोटस, ये तीनों ही आपके कैसे जली होते हैं। हमने आपको बताया था मार्सिलिया हुआ, एजोला हुआ, साल्विनिया हुआ, ये आपके जो होते हैं वो कैसे पादप होते हैं, ये तीनों ही आपके जलीय पादप हैं। कैसे पादप है, जलीय, ये आपके जलीय फर्ण इनको कहा जाता है, जलीय फर्ण। और फर्ण किसमें आते हैं, टेरिडोफाइट में आते हैं, आपको पहले से पता है। तो बचा हुआ ऑप्शन नंबर ए हमारा सिलेजिनेला। सिलेजिनेला नाम का जो पादप होता है वो आपका एक मरुद्भिद है, यानी कि मरुस्थल में पाया जाने वाला टेरिडोफाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिलेजिनेला नाम का जो पादप होता है वो मरुद्भिद पादप है, जबकि साल्विनिया, एजोला और आपका ये आपका मार्सिलिया, ये सभी आइसोटस, ये सभी आपके जलीय फर्ण कहे जाते हैं, यानी ये जल में पाए जाने वाले पादप होते हैं, वो भी कौन से, टेरिडोफाइट। तो ऑप्शन नंबर जो ई होगा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 540। फर्ण में निषेचन के दौरान नर युग्मक मादा युग्मक पर किसके माध्यम से पहुंचते हैं। फर्ण में जो निषेचन होता है या फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो नर युग्मक मादा युग्मक के पास किस प्रकार से पहुंचते हैं, जल के माध्यम से, कीट के, रसायन के, या वायु के माध्यम से। तो देखो फर्ण में निषेचन के दौरान जो नर युग्मक मादा युग्मक से जाते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक से जब जाएंगे तो वो जल के माध्यम से जाते हैं। किसके माध्यम से जाते हैं, जल के माध्यम से पहुंचते हैं। इनकी निषेचन के लिए जल बहुत ही आवश्यक है, चाहे आपका ब्रायोफाइट हो चाहे आपका टेरिडोफाइट हो, दोनों में निषेचन के लिए जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिना जल के निषेचन यहाँ नहीं हो सकता है, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जल के माध्यम से नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 541। सबसे स्पष्ट पीढ़ी एकांतर, सबसे स्पष्ट पीढ़ी एकांतर किसमें पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें शायद कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि पीढ़ी एकांतर जो होता है वो ब्रायोफाइट में भी होता है और आपका टेरिडोफाइट में भी होता है, लेकिन यह पूछा गया सबसे स्पष्ट तरीके से किसमें होता है, तब आपको क्या बताना होगा, तब हमेशा याद रखिए, तब आपको बताना होगा टेरिडोफाइट, क्योंकि ब्रायोफाइट की बात क्या आते हैं, टेरिडोफाइट आते हैं। विकास के क्रम से देखा जाए तो ब्रायोफाइट पहले आए थे, उसके बाद टेरिडोफाइट आए थे, तो थोड़ा स्पष्ट और हुआ होगा पीढ़ी एकांतर, जो पीढ़ी एकांतर क्रिया है वो थोड़ी स्पष्ट और हुई होगी, इसलिए यहाँ पर टेरिडोफाइट आपका राइट आंसर होगा। कौन सा, टेरिडोफाइट। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप कंफ्यूज ना हो, आप ब्रायोफाइट पे टिक ना कर दें, क्योंकि हमने आपको तो ये बताया टेरिडोफाइट में भी होता है, ब्रायोफाइट में भी होता है, लेकिन सबसे स्पष्ट पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया, सबसे स्पष्ट पीढ़ी एकांतर पाया जाता है,
तो वो आपके टेरिडोफाइट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइट में। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए उनमें से किसमें है? टेरिडोफाइट में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 542। फन में स्थायी जड़े होती है, फन में जो स्थायी जड़े होती है उनको क्या कहा जाता है? परमानेंट जो रूट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मूसला जड़े, अपस्थानिक मूल, कंदल जड़े या प्रकंद। तो देखो अच्छे से याद कर लेना, हमने आपको शायद इस क्वेश्चन को क्लास में नहीं बताया तो आपको यहीं से याद कर लीजिए। फन में स्थायी जड़े होती है तो वो आपकी अपस्थानिक मूल होती है। कौन सी होती है? मूसला जड़ के बाद जो जड़े निकलती है बाहर की जो और जड़े होती है, मूसला जड़े होती है वो सीधी चली जाती है, जबकि अपस्थानिक जड़े जो होती है वो चारों तरफ फैल जाती है। तो जो फंड होता है उसमें जो स्थायी जड़े होती है वो आपकी क्या होती है? अपस्थानिक जड़े होती है। जैसे ये जो होती है ये आपकी क्या होती है? अपस्थानिक जड़े होती है, जबकि सीधी जो होती है वो मूसला जड़े होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अपस्थानिक मूल पाई जाती है। फंड में कौन सी पाई जाती है? अपस्थानिक मूल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 543। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 543। 543 क्वेश्चन आज का हमारा है, टेरिडोफाइट्स में बीजाणु अंकुरित होकर बनाते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था क्लास में, टेरिडोफाइट्स बीजाणु अंकुरित होकर क्या बनाते हैं? प्रोटीनेमा, प्रोथेलिस, बीजाणुविद या आर्किगोनियम। तो देखो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो बीजाणु जब अंकुरित होते हैं, टेरिडोफाइट्स जब बीजाणुविद, बीजाणुविद से फिर बीजाणु निकलेंगे, जब वो बीजाणु अंकुरित होते हैं तो क्या बनाते हैं? तो आपको पता है वो युग्मक बनाएंगे, युग्मकविद होगा वहां पर, प्रोटीनेमा, प्रोथेलिस, बीजाणुविद या आर्किगोनियम। तो देखो ये आपके क्या बनाते हैं? प्रोथेलिस बनाते हैं। उस अंकुरित होकर जो संरचना जो बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रोथेलिस। क्या कहा जाता है? प्रोथेलिस, या आप कह सकते हो युग्मकोद्भिद। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेरिडोफाइट्स बीजाणु अंकुरित होकर क्या बनाते हैं? यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? प्रोथेलस संरचना बनाते हैं, यानी युग्मकविद बनाते हैं। तब कई युग्मक बनते हैं, फिर युग्मक के बाद फिर आपके नर और मादा युग्मक फिर आपस में मिलते हैं, फिर बीजाणु बनता है, तब ये क्रिया फिर दोबारा से होती है। तो उस संरचना को क्या कहते हैं? प्रोथेलस कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 544। जली फन जिसमें नील हरे शैवाल एना बीना पाया जाता है, पाई जाती है तथा जिसका उपयोग चावल की उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है, निम्न में से कौन सा है? ये भी हमने आपको बताया था क्लास में, सालविनिया, मार्सिलिया, एजोला या इनमें से कोई नहीं। तो देखो एक फन है आपका जली फन, कौन सा फन है? पहली बात तो वो जली है, जल में पाया जाने वाला है। जली फन जिसमें नील हरे शैवाल एना बीना पाई जाती है, नील हरे शैवाल कौन सी? इनकी एना बीना नाम की शैवाल पाई जाती है, जो जिसका उपयोग चावल की उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम देखो सालविनिया भी एक जली फंड है, मार्सिलिया भी है, लेकिन ये दोनों हमारे नहीं है। ठीक है, बचा हुआ ऑप्शन नंबर सी है एजोला। एजोला एक ऐसा जली फंड है जिसके अंदर एना बीना वास करता है, निवास करता रहता है उसके अंदर, जो क्या करता है? चावल की उपज बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा है? एजोला। और एजोला क्या है? एक प्रकार का जलीय फंड है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 545। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताऊंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न पादप समूहों को पृथ्वी पर सर्वप्रथम उत्पन्न तथा हाल ही उत्पन्न पादप के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको आपको क्रम से लगाना होगा, सबसे पहले कौन आया था, फिर कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना होगा। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फर्न, मॉस, शैवाल। ऑप्शन नंबर बी है शैवाल, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर सी है मॉस, शैवाल, फर्न, उसके बाद एंजियोस्पर्म, उसके बाद जिम्नोस्पर्म। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। जो भी इसका राइट आंसर देगा उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेकर आएंगे। आज के क्वेश्चंस कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो, जिससे हमें भी पता चले कि आपके लिए हम कैसे क्वेश्चंस लेकर आ रहे। और आपको कोई बात पूछनी हो, जो चीज समझ में ना आती हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो।
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। लाइक ना किया हो वीडियो को तो अभी तक लाइक कर दीजिएगा। शेयर ना किया हो दोस्तों के साथ तो एक बार शेयर जरूर करें। जो सीपी नेट की तैयारी हो, देखो तैयारी करने में आप लोग लग जाइए, क्योंकि आपके जो एग्जाम है वो आप जल्द ही होंगे, अगस्त से सितंबर में आपके फॉर्म आ जाएंगे, तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अभी तक आपने तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। ओके, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑल पर क्लिक जरूर कर ले, जिससे आने वाली वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन होंगे आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। आगे बात करेंगे आगे 545 से, 545-540 आपके कल की वीडियो में 550 क्वेश्चन हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को लगातार देखते रहे हमारे साथ, अच्छे से तैयारी करते रहे। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।